देखिए, सबसे जो वेद है, हमारी जो सनातन है उसके चार वेद वर्णित हैं, और चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद मुख्य हैं। और सर्वप्रथम जो वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है, वो ऋग्वेद ही बताया गया है। ऋग्वेद में काफ़ी चीज़ों का जो है वर्णन मिलता है, समस्त चीज़ों का वर्णन मिलता है। इसमें मुख्यतः भगवान के पूजा पाठ पद्धति, आवाहन पद्धति, भावनात्मक पद्धति और राजनीतिक पद्धति और चिकित्सा पद्धति, इन अधिकांश सब पद्धतियों के बारे में ऋग्वेद में जानकारी हमको प्राप्त होती है। आदि की राजनीति व इतिहास के बारे में भी ऋग्वेद में पूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें देवताओं की प्रार्थना, आवाहन, स्तुति व पूजा पद्धति के बारे में भी संपूर्ण जानकारी का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद हमारा पहला वेद और ऋग्वेद की जो रचना है सप्तसेंदर प्रदेश में जो है हुई थी, और एक निश्चित अवधि में नहीं हुई थी, यह अनिश्चित अवधि में हुई, और विभिन्न काल, विभिन्न राज्य और विभिन्न ऋषियों द्वारा इस वेद की रचना हुई थी। इस वेद में संपूर्ण ज्ञान के की जानकारी हमको प्राप्त होती है, और उसी के साथ साथ में ऋग्वेद में 10 मंडल जो है बताए गए हैं, और 10 मंडलों में 1028 सूत्र आते हैं, और जिसमें 11000 मंत्र हमको मिलते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण सनातन धार्मिक चीजों का हमें जो ज्ञान है वो ऋग्वेद द्वारा प्राप्त होता है।